there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बहुत ज्यादा मेरा जेड ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियां रात दिन पीछे से करता था। मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती अभी तक जो उन्होंने मेरा हाल कर दिया। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियां ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, थाना काना में एक एप्लीकेशन दर्ज होती है एक सुंदस नामी विक्टिम की, उसके ससुराल वाले जो हैं उस पर तशद्दुद करते हैं। उसका जेठ पहले उसके साथ ज्यादती करता है, जब ये मामला घर में जाहिर होता है तो शोहर जो है बेदर्दी से तशद्दुद करके इसकी प्रेगनेंसी ख़त्म कर देता है। ये सारा मामला किस तरह से हुआ जानते हैं सुंदस से। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे साथ ये मामला शुरू किस तरह से हुआ? तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ज्यादती कब शुरू की? ये 2 साल हो गया मेरे साथ ज्यादती करते, और मैं जब भी कहती हूँ और आगे से छुरी ले कहते थे, साथ कहते थे मैंने तुम्हें मरी बच्चियों को मार देना, इसको नहीं छोड़। अब वे मुझे भी धमकी देते थे और साथ में मारते पीटते। मैंने उसकी बीवी को भी बताया, अपने ससुर को, सबको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमारे बेटों को आपस में लड़ाना। 2 साल से तुम्हारा जेठ तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है? हाँ जी, जब भी करता था। मेरे 2 हम्बल हुए, इसी तरह मेरे 2 हम्बल से आया हुए हैं, तो मैंने अपने मियाँ को बताया, मियाँ को बताती तो मुझे वो शदीद मारते। ये जो कंसीविंग हुई है, ये दोनों तुम्हारे जेठ की थी या तुम्हारे शोहर की थी? दोनों मेरे जेठ की, शोहर की थी, और जेठ मेरे साथ ज्यादती करते थे। तो आगे से जब मैं कहती थी और छुरी साथ लेके आते, कोई ना कोई चीज साथ लेके आते, कहते तुम्हें मैं इसके साथ मार दूंगा, या तुम्हें किसी को भी बताया, अपने वालिद को बताया, किसी को भी बताया, तो मैं अपने मियाँ को बताती थी। आगे से मुझे मारना बहुत ज्यादा मारते थे, बहुत ही मारते थे। 2 साल से तुम ज्यादती का निशाना बनती रही हो? तुम 2 साल में मुसलसल अपने शोहर को, अपने ससुराल वालों को बताती रही हो? जी, मैं अपनी सास को भी। जब भी ये अमल दोहराया जाता था तुम तभी बताती थी? जी, उन्होंने कुछ भी नहीं, वो डॉक्टर भी कुछ भी नहीं थी कहती, तो वो कहती है कि ये हम बजाया हो गया ऐसे है, वो ऐसे ऊपर से और कोई बातें बता देती थी, और मेरे जेठ भी साथ ही जाता था। जब मेरा हम बजाया होता, सफाई होती थी, वो मेरे साथ जाता था। क्यों? तुम्हारे शोहर को वैसे असूलन जाना चाहिए। वो भी साथ जाते थे, सब भी साथ जाते थे। कोई ये किसी को बता ना दे, हॉस्पिटल में डॉक्टर को ना बता दे कि इस वजह से हुआ। तुम्हारे शोहर को ये सब बातें मालूम होने के बावजूद वो आंखें बंद करके बैठा रहे? जी। आगे से कहती थी, आगे से बहुत शदीद मारता था, मेरी बच्चियों को मारते थे, मेरे वाले साहब को इन्होंने बहुत जलील की। कितनी बच्चियां तुम्हारी? मेरे 2 बेटी है। तुम्हारे शोहर में से हैं? जी। अगर तुम ये बात किसी को बताने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी बेटी को मारते थे? हाँ जी, मेरी बेटी को आगे से उसका गला दबाते। क्या उम्र तुम्हारी बच्चियों की? 1 3 साल की और 1 1.5 साल की। क्या कोई उनमें गैरत ना भी कुछ चीज नहीं थी कि सारे घर के मर्दों को ये बात मालूम होने के बावजूद वो तुम्हें जो है दलदल में फेंका हुआ था? हाँ जी, आगे से कहती थी, उसकी बीवी आगे से मुझे गालियां देती थी। उसकी बीवी नहीं थी तुम्हारी जेठ की? जेठानी नहीं थी तुम्हारी? हाँ जी, उसको बताती, वो ऊपर से मुझे गालियां देती थी, बहुत गंदी देती थी। तो मैंने कहा मैं अपनी अम्मी अबू को बता देना, कहना कि हम कह रहे थे हमें तुम्हें छोड़ना ही नहीं, तुम अपनी अम्मी अबू को बताने के लाके हमने आपको छोड़ना नहीं, मार देना। जब भी मैं कहती थी तब भी मेरा मियाँ मुझे मारता, रात को दिन को बहुत ज्यादा मारता, और मेरा मियाँ वो भी मेरे साथ बहुत ज्यादा करता, पीछे से करता था, तो मेरा जब भी करता था पीछे से मुझे खून बहुत ज्यादा पड़ता, बहुत ज्यादा मेरे साथ जुल्म हुआ, 5 साल जुल्म देखती रही। हमारी शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, 3 साल तुम्हारे घर के हालात ठीक रहे हैं? 2 साल हालात ठीक रहे हैं। तुम सिर्फ अपने शोहर तक की थी महदूद? हाँ जी। के बाद तुम्हारे शोहर ने मतलब ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? वो कुछ, वो कहता मैं क्या करूं, मुझे क्यों बताती, मैं तुम्हें, जब मुझे बताओ कि मैं तुम्हें मारूंगा। नशा था वो? हाँ जी, वो नशा करता है, फीम खाता, उसे कोई परवाह नहीं है उसकी बीवी उसके बच्चों पे क्या गुजर रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं है उसको। जब भी मैं अपने वाले साहब को बताती थी, मेरे वाले साहब मुझे पैसे दे के नशा, अपने वाले साहब को बताया मेरे पैसे, मेरे वाले साहब देते रहे कि बेटा अपने घर घुस रो, मैं अपने वाले साहब को तब भी नहीं बता, तो आगे से धमकी देते कि हमने अब से बेटियां खींच लेनी, तुम्हें मार देना। बहुत ज्यादा मैंने 5 साल हो गया जुल्म देखा, आप मुझे जुल्म नहीं देखा जा। तुम्हारे जेठ ये हरकत तुम्हारी घर की बाकी की ख्वातीन थी उसके साथ भी होता था कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही था? नहीं, मेरे साथ ही बस करते थे,
उसकी बीवी तो घर में ज्यादातर रहती नहीं थी। कहाँ जाती थी वो? वो उनके अम्मी अबू है बंसपुरे, वो उधर ज्यादा रहती थी। तो वो अपने शोहर के पास नहीं रहती थी? हाँ जी, वो इधर रहती नहीं, अपने बच्चे भी ले जाती थी साथ में जब मैं कहती थी, और आगे से मेरी सास भी मुझे मारना शुरू कर दी थी। तुम्हारी बात पे कोई यकीन करता था घर में? नहीं, वो आगे से मारते थे, मेरा ससुर बीमार है, ऊपर ही पेशाब करते हैं, वो आगे से इतनी इतनी गंदियां गालियां देता, तुम्हें ऐसे किया, तुम्हें उसे किया, बहुत ज्यादा उन्होंने आके जुल्म किया, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी बात पे यकीन किया कि तुम्हारे जेठ ने तुम्हारे साथ ये हरकतें की हैं? नहीं, वो यकीन करते नहीं है, वो कहते ये झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, आगे से कहती थी, आगे से मेरी सास मुझे मारना शुरू कर देती कि तुम झूठ बोल रही, मेरे बेटे को मरवाना। तो मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, अपने मियाँ को भी रो रो के बताती थी, बहुत ज्यादा उन्होंने, बहुत ज्यादा मेरा जेठ ने मुझे इस्तेमाल किया और साथ में मेरे मियाँ, रात दिन रात दिन। घर वाले कहाँ होते थे? घर वाले वो खेतों का काम है उनका, तो वो खेत में। खातून घर नहीं होती थी उस वक्त? नहीं, मेरी सास वो रोटी देने चली जाती थी, और नान है वो गोया कूड़ा जो सा होता है वो करती रहती, अकेली मैं होती, मेरी छोटी छोटी बच्ची है, मैंने तो उसके साथ बच्चों के साथ रहना है। तो आगे से कहती थी, आगे से मेरी बच्चियों को इधर से गले से दुबाना शुरू कर देते कि तुम इनकी खातर तो रोगी, उनको इतना मारती, मेरी जिठानी खुद मारती थी। अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो पैसे देते थे और तुम अपने घर का सर्कल चला दी थी, क्या तुमने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये मामला हो रहा है? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया, इधर अपने वाले साहब को नहीं बताया, उधर सबको मैंने। मिलने आती थी अपने मायके? हाँ जी। कितने दिन रह के जाती थी? एक दिन या उसी टाइम चल जाती थी। तुम्हारी हालत से, तुम्हारी कंडीशन से तुम्हारे घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहा है वहाँ पे? नहीं, इस मरतबा मेरे वाले साहब ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ होता क्या, हमें बताओ, फिर मैंने अपने वाले साहब को बताया। इस दफा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अपने वालदेन को बताया? मेरा जेठ ने मेरे ज़्यादती की थी और मेरा बच्चा ज़ाया हो गया, और इधर मैं उधर बीमार थी, तो मेरे वाले साहब, मेरी चाची सास ने फ़ोन किया है कि आपकी बेटी ठीक नहीं है, तो मेरे वाले साहब मुझे उधर से लेके आए, तो मैंने अपने वाले साहब को बताया, तो उन्होंने कहा अब हम नहीं तुम्हें भेजना, अब इनका हम इलाज करें। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? ये मेरे मियाँ ने मुझे मारा, इधर सोटा मारा और सर में भी मारे और पेट में टांगे मारे। पेट में टांगे मारी? हाँ जी। तुम प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। वो तुम्हारे शोहर की मार की वजह से, तुम्हारे पे तशद्दुद की वजह से तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म हुई है? नहीं, वो मैंने मियाँ जेठ ने ज्यादती की और मियाँ ने ऊपर से मारा कि तुमने क्यों बताया अपने वाले साहब को। इसका मतलब तुम्हारा शोहर इस चीज पे रजामंद था, वो जान बूझ के तुमसे जो है तुम्हें उसके ऊपर आमादा करता था कि ठीक है, तो अगर उसका भाई तुम्हारे साथ गलत काम कर रहा है तो वो करता रहे, उसे कोई एतराज नहीं है। हाँ जी, कानूनी कार्रवाई की है तुमने? जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या हेल्प कर रही है? वो बात ही नहीं सुन रहे। क्यों? वो आगे से बात ही नहीं सुनते, कल का टाइम दे देते हैं, कब 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 पता नहीं कब का, कभी कब का दे देते हैं, कभी कब का दे देते हैं, अब आगे से बात नहीं सुनते। तुम्हारी FIR हुई है? नहीं, एप्लीकेशन हुई है बस। जनाजे, मेरे साथ विक्टिम की सिस्टर मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बहना, मुझे ये बताएं कि दो दफा इसकी DNC हो चुकी है, आप लोगों ने कभी इसे कंफर्म करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आ रहे हैं वहाँ पे? हम ये हमारे पास रहती नहीं थी इतना, जब आता था इसके साथ इसका हस्बैंड आता है तभी इसको लेके यू टर्न हो जाता था, अपने घर चला जाता था, इतनी इससे बात ही नहीं होती थी, ना ये रहने देते थे वो इसको, तो ना ये रहती थी वो इसको, पता नहीं ऐसे घूरी डालता था इसके साथ, ऐसे दबा के उठो चले हम चलो, तो दो तीन मरतबा मैं उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ है मेरा, मैंने कहा क्यों नहीं रहने देते मेरी बहना को आप, नहीं नहीं हमने नहीं रहना, हमने नहीं रहना, हमारे घर बहुत ज़्यादा काम है, भाई घर नहीं होते ऐसे वैसे, वो इसको ले जाता था, हमने तो बसाना था इसको अपने घर में, कि बेटियाँ घर में अच्छी लगती हैं, बेटियाँ अपने घर में रहें, काम काज करें, अपने तौर तरीका अच्छा रहेगा, अपनी हमारी बच्ची खाती पीती है अच्छी रहती है। तो जब अब भाई है इसका अबॉर्शन हो गया है, जब उन्होंने इसके तशद्दुद किया इसके ऊपर, तो अब के उन्होंने चोरी इनको फ़ोन की गया हमें कि आपकी बेटी बहुत बीमार है, इसकी चाची सास ने, तो तब इनके अबू गए हैं वहाँ पे, वो इसको हालात बिगड़ गए हैं, तब आपको फ़ोन कर दिया है कि कहीं उनके हाथों मरमर आना जाए। जी मरमर आना जाए, वो तो इसको पूरा उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था इसका मरने का, ये मर जाए और हम उनको बोले ये खुद ही मर गई, हमने नहीं इसको कुछ किया। अरे सुंदर, मुझे ये बताओ क्या तुम दोबारा उस घर में जाना चाहती हो, रहना चाहती हो अपने शोहर के साथ? नहीं, मैंने नहीं अब नहीं। हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं जिसके लिए तुमने इतना जो है वो जुल्म बर्दाश्त किया है वहाँ? वो उन्होंने ले ली।
बच्चियाँ फिर भी उन्होंने ले ली है। हाँ जी, मार के उन्होंने मुझे निकाल दिया और अपनी बच्चियाँ खोल ली। बच्चियाँ वापस आती हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे अपने इंसाफ के लिए? बच्चियाँ वापस चाहिए तुम्हें? नहीं, वो उनकी हैं, उन्होंने देनी नहीं है। बच्चियाँ नहीं मैंने लेनी, मैं कहाँ अपना खुद संभालूंगी, कौन को संभालू? मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती अभी तक, जो उन्होंने मेरा हाल कर दिया। चिनाज़ आपने सुंदर की सारी बात सुनी। इंतहाई अफसोस वाली बात है कि जिसके साथ लड़की को ब्याह जाता है वहाँ पे खुश ना रहने के बावजूद जो है जो जेठ है वो उसके साथ ज्यादती करता रहा, दो दफा इसकी प्रेगनेंसी खत्म करवाई और यहाँ पे कानून का चेक करें कि कानून से सहारा लेने के लिए गई है लेकिन अभी तक इसकी FIR नहीं हुई। इस वाकये को 4 दिन हो गए हैं। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनी है लड़की, लेकिन अब वो अपने ससुराल जो है वापस नहीं जाना चाहती। सिर्फ इतना चाहती है कि जिन्होंने इसके साथ ये सारा सलूक किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसी के साथ